और मोदी जी का हमको मालूम है, मैं उसके होम टाउन उसके गांव में रहता हूँ। आज तक उसका भाई है कि उसके पास गाड़ी भी नहीं। गुजरात में रहते हो? हाँ, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। प्रधानमंत्री तो उसका भाई सरपंच होता नहीं तो भी उसका भतीजा पावर करता है। प्रधानमंत्री होने के बाद पहले मुख्यमंत्री थे तो भी उसका परिवार एकदम साधारण परिवार है। मोदी जी ग्रेट टाइम पास करो। अच्छा कोई नगमा हो जो को कोनी एजेंट बेवणे कोनी मास हो गणपत कम करो तो मैं तो मरदास खेलो। बीजेपी 400 सीट आई, बीजेपी 400 बीजेपी सीट आई 400। गजेंद्र सिंह जोधपुर लोकसभा एक नहीं है, वो अका इंडिया का जल मंत्री, उनको बहुत काम कर, उन्होंने काम बहुत दिया, पर अशोक गहलोत जी ने काम करने नहीं दिया इसलिए वो पैसे वापस गए। दोस्तों हम जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लूणी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हैं और सिंडली गांव है। यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं जो बैठे पेड़ की छाया के अंदर ताश खेल रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जोधपुर की जनता का क्या मूड है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। बड़ी मीट गड़े ये ताश में कहीं बात है। टाइम पास करो। अच्छा कोई नगमा हो जो कोनी एजेंट बेवणे कोनी मास हो गणपत कम करो तो मैं तो मरदास खेलो। काई हो कहीं कोनी बैठा हो जो को जने जीत ही जने वोट दे दो जितना तो वोट दिया पच ठापड़े पे हाथ हाथ तू कहां सा हाथ तू वोट दे दो ने वोट हार में देणो नहीं आई जे यहां पर तो नहीं ताली बात में की राज है। राज राज की कोनी सा राज राज का नो सा क्यों के वोट हाथ में देणो ने देणो जीत में और पर वोट गमावणो नहीं। जीत कण कण लागे जोधपुर में? जीत जोधपुर में जीत तो जट आवती जो हाल ही बसे बात बीजेपी फूल ने दो वोट फूल ने 1.5 लाख बीजेपी जीत 400 सीट आई बीजेपी 400 बीजेपी सीट आई 400। कारण काई कारण है कि भाई बीजेपी मोदी जी 18 घंटा काम करे, देश रो प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करे, कांग्रेस हमें कोई विजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नेतो नहीं। बीजेपी रा स्टार नेता है, जनता के लिए सोच है और हिंदू राज है और हिंदू राष्ट्र बनेगा। बीजेपी को वोट देंगे हिंदू राष्ट्र बनेगा, नहीं तो 15 साल के बाद हिंदुओं को नमाज पढ़नी पड़ेगी। कांग्रेस को वोट दिया नहीं। मोदी जी के ऊपर तो बहुत सारे आरोप लग रहे हैं भाई, केजरीवाल को जेल में डलवाने के पीछे उनके सरकार का हाथ है। सब घोटाला करेंगे वो जेल में जाएंगे। नहीं बीजेपी का एक भी आदमी का घोटाला बताओ। बीजेपी विरुद्ध राज है जन कौन गाल है? राज नहीं, राज तो कांग्रेस ही है तो वन कतरा घोटाला करता है। कालमाड़ी धालबाड़ी ने जेल में बैठा है। पेपर लीक में मार तो सबो नहीं वा तो मेहनत करी जको तो घर बैठा आज मास हो भरजी डिग्री ले ले थानदार ए थानदार बणी हैंग में बैठा असुल वाला हैंग कतरा थानदार सस्पेंड भी आने अजी वळवई और मुके बीजेपी जीती के जन अशोक राज बणी देश में राम राज्य स्थापना हुई और अजय तो राम जी ने मंदिर बनाया। कृष्ण भगवान ने मंदिर बनी, अयोध्या बनी, काशी बनी, द्वारका बनी और मोदी इज ग्रेट। मोदी देश हिंदू के लिए भगवान है। पर गजेंद्र सिंह जी आपके स्थानीय नेता मत आरोप लगे, बहुत अच्छे आदमी है, ये आरोप से झूठे हैं। आरोप तो सामने वाले भी बहुत लगते हैं कि भाई वो कड़िया काम के पैसे नहीं दिए, वो बहुत वीडियो आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह जोधपुर लोकसभा एक नहीं है, वो अका इंडिया का जल मंत्री, उनको बहुत काम कर, उन्होंने काम बहुत दिया, पर अशोक गहलोत जी ने काम करने नहीं दिया इसलिए वो पैसे वापस गए। गजेंद्र सिंह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और फिर से इस बार विदेश मंत्री बनेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत जीतने के बाद। पर ये जल शक्ति मंत्रालय में बचे पानी पानी गाँव में आयो फुल आवे 24 घंटा पानी आवे फुल पानी फुल आवे कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ है ही नहीं साहब पानी की मारे। इस बार गजेंद्र सिंह जीतेंगे नहीं तो हमारे गांव में टंकी भी बनेगी, घोषणा हुई है, खाली उद्घाटन बाकी है। बाबा जी आप रुकाएं क्यों ना बाबा जी ये हम कौन कौन एक है नहीं भलजी क्यों है दी पापा के नहीं जी भी को के नहीं हो हेलो थारो जुड़ गयो आप रुकाएं क्यों ना मरकन होई है सा के मोटो बोर्ड फूल ले दोला बीजो कोई को नहीं गजेंद्र सिंह काम ठीक ही करिया ने करिला ठीक है नहीं सरकार हुई जन कौन बे नहीं तो बजे में एक पहलू रही दूसरी पहलू सरकार नहीं बेदन पर काम करना दूर हो गया बाकी करेला काम डबल इंजन की सरकार वे तो नाराज क्यों वे वो तो जो को भ्रष्टाचार के जो जेल में जाई बनी बीजेपी वो कांग्रेस वो कोई भी वो गलत काम है गई। और मोदी जी का हमको मालूम है, मैं उसके होम टाउन उसके गाँव में रहता हूँ। आज तक उसका भाई है के उसके पास गाड़ी भी गुजरात में रहते हो? हाँ, उसके पास गाड़ी भी नहीं है। मोदी जी के गाँव में रहते हो? हाँ, उसके पास गाड़ी भी नहीं, उसके भाई के पास, एकदम साधारण परिवार से रहते उनके भाई। आप काम क्या करते हो? मैं वहाँ बिजनेस करता हूँ मोदी जी के गांव में।
बहुत अच्छे आदमी, उनका परिवार एकदम साधारण परिवार है, उसके भाइयों के आगे पीछे कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वो आराम से रहते, एक सिंपल आदमी की तरफ रहते और कोई तकलीफ नहीं करते, ना वो अपने प्रधानमंत्री के भाई का ऐसा कुछ पावर लगाते, ऐसा कुछ नहीं है। उनके घर पे कोई सुरक्षा है ऐसी कुछ? कुछ नहीं है, मतलब अपने आम आदमी की तरह, आम आदमी की तरह, एकदम आम आदमी की तरह। और नेताओं के परिवार के घर देखें? नहीं, मैं और कभी किसी ऐसा, मतलब क्या होता अगर प्रधानमंत्री दूसरे किसी प्रधानमंत्री का परिवार होता? प्रधानमंत्री तो उसका भाई सरपंच होता नहीं, तो भी उसका भतीजा पावर करता है, पर प्रधानमंत्री होने के बाद पहले मुख्यमंत्री थे, तो भी उसका परिवार एकदम साधारण परिवार है। मोदी जी ग्रेट। आपको मोदी जी, मतलब आप मोदी जी के फैन होने की वजह? मैं आपका हिंदू राष्ट्र और राम मंदिर बनाया और काम अच्छे कर रहे हैं और सरकार में एक रुपये का भी घोटाला नहीं है। मैं तो वोट जीत इसने वोट दो जितने पास धनी बनो था तो जीत भी जी धनी बनो पहले मां तो कने के वोट हार में दो नहीं और तो इसी दो दे ओ कीकर संभव हो सके आदमी पहली कीकर ठा पड़े साथ पड़े कीकर नहीं पड़े सबोरी हवा है कि 400 पार बीजेपी इस बार सबको मालूम है बीजेपी जीतेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। 64 साल रो वेगो वोट हार में आज तक ही दी होनी ने नो देओ पर 64 साल का हो गया मेहंदी वाला मामलो मेहंदी तो आ तो हम फैशन है इंस्टाग्राम में रील बना मैं ओहो मैं भाई जी बोल दियो ना मैं भेड़ा नहीं गया और भाई जी अबड़ा है गांव पे बात करावा भाई जी राम राम। आप ये गांव रहे हो? हां गांव रहे छ। काई माहौल है चुनाव रो काई माहौल है? फूल रो फूल रे माइन किन किन नेता रो नाम जानो? कोई नेता रो मो नाम जानो को नी ने मो आप नेता ही छ आपने अपर तो ऊपर वालो मोर मोदी हर छ। अच्छा मोदी बात काई काई आस राखो मोदी प्रधानमंत्री बनिया पहले बहुत बढ़िया जना काई सोचता मोदी री टावर बीजा है को नी अपर टावर पालना नी टावर आपे कमा न खाई जो कोई है अपर कोई कमी है को नी ने दोन तो भी कमाने खो जन वो कि आत्मग्नि अलाव तो रो भूखा नहीं अलाव बीमारी पड़ जाओ बीमार पड़ जाओ तो हो तो बेटा खाओ तो हो मोदी ने यो हां वो हो से मोदी जी ने। तो दोस्तों गांव के लोग खुलकर अपने विचार हैं और रख रहे हैं लेकिन आप लोगों के क्या विचार है जरूर कमेंट करें। मैं फिर आ जाऊंगा तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।